बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ महनूर रेहान और आप देख रहे हैं महनूर फूड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे 10 लेयर कस्टर्ड ट्राइफल इन अ ग्लास, तो ये क्रिसमस स्पेशल रेसिपी मेरे क्रिश्चियन सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके पैन में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे और अब मैं इसमें 1/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करूंगी पाइनएप्पल एसेंस के, ये ऑप्शनल है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो अब इसे मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो दूध बॉईल हो जाने के बाद अब मैं इसमें मैंगो कस्टर्ड स्लरी ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और चिल्ड मिल्क से रेडी किया है। इसे ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे टेक्सचर के लिए आप इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करते जाएंगे इसमें कोई लम्स ना रहे और ये थिक हो चुका है अब और कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है इस पॉइंट पे। तो कस्टर्ड को बाउल में ट्रांसफर करके 10 टू 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। दूसरी जगह पर मैंने रेड एंड ग्रीन जेली प्रिपेयर कर ली है। तो 10 टू 15 मिनट्स के बाद कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और इसे स्मूथ करने के लिए इसे विस्क करेंगे और जस्ट इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके इसे अगेन विस्क करेंगे। तो इस पॉइंट पे कस्टर्ड ट्राइफल की जो प्रेपरेशन है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी लेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इस रेसिपी को ग्लासेस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बाउल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बस इसके लेयर्स का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। तो कस्टर्ड का आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। आई लव मैंगो, सो मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड यूज किया है। इसे सेट करेंगे और ये है टी केक, बट एज अ लेयर हम इसके क्रम्स ही यूज करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सेकेंड लेयर केक क्रम्स की बनाएंगे और सेट करके इसमें अगेन थर्ड लेयर जो है वो कस्टर्ड की ही लगाएंगे दोनों ग्लासेस में। तो अब जो हमारी फोर्थ लेयर है वो है इंस्टेंट ग्रीन जेली लेयर। तो बॉइलिंग वाटर में मैंने जेली मिक्सचर को ऐड करके इसे रेडी किया है। ये ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, जस्ट लुकवार्म है। तो जेली की लेयर हम केयरफुली ही बनाएंगे कि दूसरी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और हमारी फिफ्थ लेयर अगेन कस्टर्ड की लेयर होगी। तो अगर आप जेली को डायरेक्ट ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप स्पून की हेल्प से भी जेली को ऐड कर सकते हैं। तो रेड जेली भी मैंने उसी तरह से ही प्रिपेयर किया और सेवन्थ लेयर भी कस्टर्ड की ही होगी। 8th लेयर होगी केक क्रम्स की। तो दूसरे ग्लास को भी साथ ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है मेरे क्रिश्चियन सब्सक्राइबर्स के लिए, वो भी बनाएं। और आप सब भी इस रेसिपी को किसी स्पेशल ओकेजन पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मल्टी कलर डिज़र्ट तो हर किसी का ही फेवरेट होता है और अट्रैक्ट करता है। तो कस्टर्ड की एज अ 9th लेयर लगाने के बाद मेरे पास है क्रश डार्क चॉकलेट। तो ये है हमारी 10th लेयर जो कि टॉप लेयर है। तो जब तक मैं इस पे ग्रेटेड डार्क चॉकलेट की लेयर स्प्रिंकल कर रही हूँ तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपके एरिया में सर्दी का क्या हाल है, क्योंकि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो अब इसे मैंने डेकोरेट कर दिया व्हिप्ड क्रीम फ्लावर से और ग्लेज्ड चेरीज से। तो इसी तरह से हमारा बहुत ही ज्यादा स्क्रम्शियस और गुड लुकिंग 10 लेयर ग्लास कस्टर्ड ट्राइफल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इंटरेस्ट रहना पड़ेगा। तो आप सब इस रेसिपी को बहुत ही इजीली घर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माउथ वाटरिंग और अट्रैक्टिव रेसिपी है। तो कस्टर्ड तो सब बनाते ही हैं, बट अगर आप इस यूनिक वे में इसे ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग तो मेरा फेवरेट फ्रूट जानते ही हैं, आई लव मैंगोज एंड आई एम मिसिंग मैंगोज नाउअडेज। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ आप सबसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।